स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं उसके तुम एक सहारे हो। तुम्हारे सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो। शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 29/6/12 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक इतना प्यारा है कि आज हमें मीठे मीठे बाप दादा, हम ब्राह्मण बच्चों में भी बाबा एक तलाश कर रहे हैं, बाबा कुछ खोज रहे हैं, बाबा कुछ ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं, क्या तलाश कर रहे हैं, बाबा को क्या चाहिए, चलो देखते हैं आज मीठे मीठे बाप दादा मुरली में क्या बता रहे हैं और किसकी तलाश है बाबा को। तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे, बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं, बाबा लगा रहे हैं, तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो, ईश्वरीय मत पर चल श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ। ये तो बाबा ने हम बच्चों को प्रेरित किया कि मैं आया हूँ, फाउंडेशन लगा रहा हूँ, तो तुम क्या करो, तो वो बाबा ने बता दिया। अब प्रश्न है आज बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है, बाबा सदा तलाश करते रहते रोज रोज, तो क्या तलाश करते रहते हैं, कैसे बच्चों की तलाश करते हैं। उत्तर है जो बहुत बहुत मीठे शीतल स्वभाव वाले सर्विसेबल बच्चे हैं, बाप उनकी तलाश कर रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे, स्वयं को वो तलाश वाले बच्चे समझते हैं हम, तो हमारे ऊपर बाप की नजर जाएगी। यदि हम मीठे मीठे हैं, शीतल स्वभाव वाले हैं और हम यदि सर्विसेबल है, तो बाप की आंख मेरे पर आकर के रुक जाएगी, ठहर जाएगी। ऐसे बच्चों की बाप को तलाश रहती है। सर्विसेबल बच्चे ही बाप का नाम बाला करेंगे, इसलिए बाबा को ऐसे बच्चों की तलाश है। जितना बाप का मददगार बनते हैं, आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, उतना वह वर्षे के हकदार बनते हैं। तो बाबा को ऐसे आज्ञाकारी, वफादार और ऐसे वर्षा लेने वाले वारिस हकदार बच्चों की तलाश है। और भी बाबा ने बताया ना, मीठे, शीतल, सर्विसेबल, कितनी सारी बाबा ने गुणों की बातें बता दी। जिनमें ये गुण हैं, वो बच्चे बाप तलाश रहे हैं। गीत बजा है ओम नमः शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस मायावी दुनिया में हर बात में दुख है, वो तो आप सभी अनुभव करते होंगे, इसलिए इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश नहीं रखनी है, भले माया के तूफान आवे। बाबा कहते हैं भले माया के तूफान आए, लेकिन कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। कुल कलंकित बनना माना बिल्कुल पांचवे माले से नीचे गिरना, काम कटारी अपने पर चलवा देना या काम विकार में जाना। दूसरा बाबा कहते हैं खान पान की बहुत परहेज रखनी है, पार्टी आदि में जाते बहुत युक्ति से चलना है। हाँ, पार्टी में तो बहुत कुछ होगा, नॉनवेज भी होगा, शराब भी होगा, सब कुछ होगा वहां पर, लेकिन हमें वहां न्यारा प्यारा बनकर अपने को उन बातों से छुड़ाते हुए नाता निभा करके आना है। वरदान है संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस के द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। हलचल ज्यादा कहाँ आती है, जहां संगठन है,
क्योंकि अनेक व्यक्ति, अनेक स्वभाव, अनेक संस्कार, तो टक्करबाजी होती है, परंतु उसमें भी स्वयं का बैलेंस रखकर और अचल रहने वाले बाबा कहते हैं निर्विघ्न भव। जैसे बाप बड़े से बड़े परिवार वाला है, लेकिन जितना बड़ा परिवार है उतना ही बाप न्यारा और सर्व का प्यारा है। ऐसे फॉलो फादर करो, संगठन में रहते सदा निर्विघ्न और संतुष्ट रहने के लिए जितनी सेवा उतना ही न्यारापन हो। कितना भी कोई हिलावे, एक तरफ एक डिस्टर्ब करे, दूसरी तरफ दूसरा डिस्टर्ब करे, कोई सेल्वेशन भी न मिले उसमें, कोई इंसल्ट कर दे, लेकिन संकल्प में भी अचल रहेंगे तब कहेंगे निर्विघ्न आत्मा। मतलब बाबा कहते चारों तरफ से विघ्न आए तो भी हमारी स्थिति कैसी हो, अचल हो। स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति के द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल और अडोल रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।